Hi, Rossi! ग्राउ के मौसी और मौसी क्या हाल है? बढ़िया सब। तो खाने में राजमा रायता और मौसी का ढेर सारा खाने सब प्यार। प्यार। आज नहीं काटा हमने प्यार। हे गाइस, कैसे आप सब? मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं एसपी व्लॉग्स। सो आज मैं जा रहा हूँ अपने डोंगरा विलेज से कंडारा विलेज, और अब मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ से हम जाने वाले हैं। सो हमारे जो रास्ते में पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला रुद्रप्रयाग, तिलबाड़ा, अगस्त मुनि एंड चंद्रापुरी। सो मैं आज आपको दिखाऊंगा जो कंडारा विलेज है वो भी दिखाऊंगा, और मैं मेरे भाई लोग जा रहे हैं बाइक से, सत्तू ब्रदर और ये दयाल बेटा, ये भी जा रहे हैं हमारे साथ में। हाय, और ये अपनी बाइक्स मिक्सर ब्रो, और हमारे बापू में छोड़ना आए हैं। सब मिलते सीधा बाइक पे, आ गए बाइक पे। सो आज थोड़ा रेनी सीजन भी हो रहा है, अभी सुबह थोड़ी बारिश तो हुई है, और अभी देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल बंद है, आगे जाके बारिश होगी कि नहीं होगी। होगी तो कहीं साइड में खड़े हो जाएंगे, बाइक पे तो पता ही है हम लोगों को। उत्तराखंड में बहुत हैवी बारिश होती है, और यहाँ पे बाइक से चलना बारिश में बहुत रिस्की है। ये पापा आधा पे थोड़े आके रोड थोड़े नहरे होते, बट ये रोड देखे कितना क्लीन है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। बट बाकी मोस्टली क्लीन है, क्लीन रोड है ये, थोड़ा बहुत फिर से कहीं कहीं पे ख़राब रहता है। बाकी देखो मौसम कितना सुहावना हो रहा है, एकदम ठंडा हो रहा है, जैकेट्स पहनी हुई है हमने, और टाइम हो रहा है सुबह का 8:30। और मई के मौसम में देखो हमने यहाँ पे जैकेट पहनी हुई है, मई के महीने में। सो चलते थोड़ा आगे जाके फिर दिखाएंगे आपको। और ये है हमारा नेशनल हाईवे। सो इस तरफ जाता है श्रीनगर, जो दिल्ली की तरफ जाता है ऋषिकेश तरफ, और इस तरफ जाता है, हम जाएंगे इस तरफ, और ये रोड जाता है अपना रुद्रप्रयाग मार्केट की तरफ। अभी भाई है पीछे, हम लोग वह काफ़ी तेज़ चला रहे थे, तो भाई अभी थोड़ा पीछे है अभी। चले नेशनल हाईवे देखो कितना चौड़ा चौड़ा है, और रोड्स हैं यहाँ पे, रोड्स काफ़ी वाइड है, बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, लैंडस्लाइड। सो ये सारा रुद्रप्रयाग मार्केट है, और यहाँ पे जो भी नियर बाय विलेजेस हैं, सो वहाँ के लोग अपने डेली नीड्स की जो चीज़ें होती हैं वो लेने आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको हर चीज़ की शॉप मिलेगी। पूरा अगस्त मुनि का मार्केट है, ये भी काफ़ी बड़ा मार्केट है, क्लोथ शूज़ सब कुछ मिलता है। सो करते हैं स्टार्ट, और बगल में एक प्यारी सी नदी बह रही है, सो चलते हैं आगे। अब यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने रोकी थी यहाँ पे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली थंबनेल के लिए, मैंने अब आगे चलते हैं यहाँ से। ये अगस्त मुनि है, आओ आओ
मौसी। ये अपनी मौसी मौसी हस्ते मौसी हस्ते वो मौसी पीछे भी आएगा। अब मौसी कहाँ से आ रहे अब? तेरा मुंह तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। अभी दिखाई देगा अब कहाँ? आगे दिखाई देगा आगे। सो ये हमारी प्यारी सी मौसी चलो, चलो, चलो। खेत सारी काम करके वहाँ पे कई देर से। हाँ घंटे तो वो उधर ही थे ना मौसी। नहीं हाँ चलो चलो मौसी मौसी तो आप भी जब खेत सारे हो खेत सारे हो। अच्छा आ जाओ मौसी ग्राहे मौसी सो ये रहा अपनी मौसी का घर। फाइनली पहुंच गए अपनी मौसी का। ये हो गया लड्डू ये हो गया लड्डू। और है और मौसी क्या हाल है? बढ़िया सब। और क्या हाल है? हाँ और मौसी अपने खेत में क्या 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 कुदाई की? नहीं 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 बेको नहीं बनते। आइए मौसी हंसते चलो मौसी चलो चलो हाँ भी कर देंगे। से अपनी मौसी घर ही है। अरे मौसा जी मौसा हंसते हाँ हंसा भूमि दादी हंसते देखी अखियों से गोली ये हमारी भाभी बहुत शर्मा रही है जैसे हम लोग आए। भाभी जा तो देखो भाभी क्या हाल है इधर देखो क्या बना रहे हो भाभी आज? ये तो बना दो क्या बना रहे हो? कुछ स्पेशल बना रही भाभी मान ले बहुत शर्मा रही है। मौसी क्या बनाया आज खाना? राजमा चावल बना रही है। आज मौसी ने राजमा चावल रहता मौसी ने बनाया दीदी ने बनाया। अच्छा और हमारी भाभी ने क्या बनाया? भाभी ने बनाया खीरा चावल बनाए सतीश हाथ गोला सो रहा है हाथ गोला सो रहा है खाने में राजमा रायता और मौसी का ढेर सारा खाने सब प्यार आज नहीं काटा हमने प्यार आजा मेरा बच्चा हाथ धो के आजा। और आगे मौसी मौज बाहर मौज बाहर कैलाश आजा बेटा
और मौसी की थाली तो कुछ कलर अलग लग रहा है मौसी। सोने की थाली है। ओ वाह यार, कम से कम मौसा लाखों की थाली में खा रहे खाना। नहीं कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा सो ये मौसी का विलेज है, कंडारा मौसी का घर है यहाँ पे। सो कुछ यहाँ के व्यूज, घर है और ये सामने बढ़िया खेत और ये नीचे मेन रोड। तो बस पुराने जब पुराने टाइम के ज़माने के घर इस टाइप के होते थे और अब इस टाइप के बनने लग गए हैं। सभी आगे मैं छत पे, ये है कुछ कंडारा का व्यू घर और ये ऊपर थोड़ा जंगल एरिया है। और उस साइड भी घर है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे घर भी हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए ये जिसके ग्रीन कलर की शेड है बहुत टॉप का घर बना रखा है और ये वाला भी। और ये सामने ये गाय भैंस के लिए, ये उनके घर है बढ़िया। और उस साइड में भी है सारे घर यहाँ पे। तो ये कुछ कंडारा का व्यू और वो उधर भी है, वो नीचे उस साइड में भी है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है यहाँ पे। और ये यहाँ का देसी डॉग। एक बहुत बढ़िया सी चीज़ देखी यार मैंने अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे बंदर जो ढक्कन खोल रहे हैं टंकियों के पास, दिल्ली में तो मैंने देखा नहीं कभी, बट यहाँ पे देखा हूँ ये कांटेदार ढक्कन वाला यार टैंक है। बंदर आएगा उसके कांटे चुभ के टैंक खोल नहीं पाएगा। वहाँ पे नहीं है ना दिल्ली में ऐसा, ऐसे ऐसे खोलेगा तो बहुत तेज हो रहा है। हो सकता है अगर दिमाग वाला होगा तो ऐसे ऐसे खोलेगा। नहीं वैसे टैंक बंदा के टैंक पे बैठ जाता है ना वो साइड में बैठेगा। वहाँ पे नहीं देखा ना हमने ऐसा भाई, टेक्निक अलग है गाँव की। क्या लगा रखा है? टेक्निक अलग है भाई गांव की, ये बंदर के हिसाब से बनाया गया, वो काफ़ी शार्प है इसके एजेस जो है बढ़िया है बिल्कुल। ये प्यारा सा बच्चा कौन है? आयु, क्या नाम बेटा? आयु गुंजो। ये हमारा सलमान खान इधर देखो बेटा, क्या नाम है बेटा? गुंजे। कितनी सरवारी गुंजन, गुंजन इधर की सरवारी है। गजब बेइज्जती है। देख क्या तरीका है पांव छूने का। वो शर्मा के भाग गए सलमान खान। रो रो के बुरहाल कर दिया इसने कि मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा। तो ऊपर जा रहे हैं हम लोग कंडारा गांव में जो घर है उसको देखने के लिए। तो भी जा रहे हैं हम मौसी घर से ऊपर गांव में, ऊपर एक मंदिर भी है। सो दिखाता हूँ मैं। सो जा रहे आगे भाई लोग बहुत सारे ढेर के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ। इसके ऊपर भी है पूरा कंडारा विलेज। शाम को भी यार बहुत मजा आया चलाने में हमें बाइक। और ये यहाँ से 24 घंटे पानी बहते रहता है। तो अभी जाएंगे हम यहाँ पे इस रोड पे और वो आ रहे हैं भाई और वो नीचे लोगों ने खोल के रखी हुई है। देखो किस टाइप की, और ये मूलियाँ उगा रखी है। केजी भी है नर्सरी का, केजी तो नहीं घर है मगर किसी का। तो
फिर सारा गैंग जा रहा है। वेदर यार कितना भयंकर हो रहा है यार, बारिश होने वाली है बस, बहुत भयंकर। यहाँ पे काफी सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, ये बच्चों का स्कूल विद प्लेग्राउंड, और ये छोटा सा बाबू, ये बाबू नहीं काफी सुंदर मंदिर बनाया गया कंडारा विलेज में। जय माता दी। जय माता दी। प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर, जय हो। और यहाँ का स्कूल आप बहुत तगड़ी है, बच्चे पूरे एंजॉय कर रहे हैं, बॉल वॉल खेल रहे हैं। और यहाँ का एक और स्कूल है, यहाँ पे 6 से 12 तक का बच्चों के लिए स्कूल है। यहाँ पे इस साइड पे छोटे छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है, इनका दूसरा स्कूल है। यहाँ पे बहुत अच्छा बना रखा है ना। अरे हमारे बिक्सो ब्रो, बारिश भी आ रही है। इनका प्लेग्राउंड बैकयार्ड एरिया में, और पीछे देखो क्या मौसम हो रहा है, और मौसम ऊपर से कितना भयानक, बस बारिश होने वाली है। अब चलते हैं यहाँ से। सो करते हैं इस वीडियो का एंड यहीं पे, ये तक छोटा सा वीडियो कंडारा विलेज का। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और एक कर देना प्यारा सा कमेंट। सो लेते हैं अलविदा और मिलेंगे उत्तराखंड की सीरीज में न्यू ब्लॉग के अंदर। सो बाय, सी यू लेटर। खत्म, बाय बाय, टाटा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।